वही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सक्रिय रहे 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वाले 3 महिला सहित 5 नक्सली हार्डकोर नक्सली हैं। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले 3 नक्सली 5-5 लाख और 2 नक्सली 2-2 लाख रुपए इनामी थे। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति और नियत नीला नार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली सुकमा में सक्रिय थे और कई वारदातों में शामिल थे। छत्तीसगढ़ शासन के नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज जिला सुकमा में 5 बड़े नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। इन नक्सलियों पर कुल 19 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित था। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों का नाम है कवासी दूला, जो प्लाटून 30 में डिप्टी कमांडर के रूप में कार्यरत था। सोड़ी बुद्रा, ये भी प्लाटून 30 में मेडिकल टीम कमांडर के रूप में काम कर रहा था। मड़कम गंगी प्लाटून 30 की सेक्शन कमांडर थी, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। ओडियम सोमड़ी, ये भी प्लाटून 30 के सदस्य के रूप में था, जिसमें 2 लाख का इनाम घोषित था। और मड़कम आयते, ये पूर्व डीवीसी के गार्ड के रूप में कार्यरत थी, इस पर 2 लाख का इनाम घोषित था। सभी प्लाटून 30 के 4 सदस्य द्वारा अपने कमांडर के शोषण और अत्याचार से परेशान होकर आत्मसमर्पण किया गया। अन्य सभी नक्सलियों से अपील करना चाहूंगा कि नक्सलवाद की खोखली विचारधारा को छोड़ किसी भी कैंप या थाना में आप आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं, और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर अधिक इनाम भी दिया जाए।